हिंदू मुसेवाले की सिक्योरिटी हटाना अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की साजिश है। अरविंद केजरीवाल अपनी सिक्योरिटी कम क्यों नहीं करते? भगवत मान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भगवत मान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शर्म करो शर्म करो, केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा आना होगा, सिद्धू के हथियारों को फांसी दो फांसी दो, सिद्धू के हथियारों को फांसी दो। मेरे पीछे जिस हिसाब से देख सकते हैं, मेरे पीछे जिस हिसाब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ पंजाब सरकार के, कि पंजाब सरकार हाय हाय। और आप देख सकते हैं किस हिसाब से मेरे बीच में और भी लोग हैं। सर कैसा फील हो रहा है कि पंजाब की जो शान थी जो सिद्धू मूसेवाला उनका कल देखिए पूरे सिर्फ भारत देश में नहीं पूरी दुनिया में सिद्धू मूसेवाला के फैन थे। और पंजाब सरकार की नाकामी के कारण आज 28 साल के युवा की मौत हो जाती है, उनकी सिक्योरिटी कम कर दी जाती है। अरविंद केजरीवाल नौटंकीबाज जो जिसे मुख्यमंत्री मैं कहता हूँ अपने रिमोट के द्वारा यहाँ से पंजाब सरकार चलाने का काम करते हैं। आज जब देख रहे हैं कि देश के अंदर इतनी अराजकता का मूल है, क्या अरविंद केजरीवाल संघ के दूसरे एजेंट नहीं है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संघ के एजेंडे पर काम करती है उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी संघ के एजेंडे पर काम करते हैं। सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटाना अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की साजिश है। जिस तरीके से आपने देखा होगा जब राघव चड्ढा की सिक्योरिटी नहीं हटाई जाती अरविंद, जब कहते हैं सिक्योरिटी कम करने की बात, अगर सिक्योरिटी कम करनी है तो अरविंद केजरीवाल अपनी सिक्योरिटी कम करें, राघव चड्ढा अपनी सिक्योरिटी कम करें जी। सिर्फ दल जो हमारे सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला उनकी सिक्योरिटी कम क्यों की गई और सिक्योरिटी कम करके रिलीज कर दी गई कि सिक्योरिटी कम कर दी जाती है? आप दुनिया को बता, अगर आपका कोई दुश्मन है आप उसको बता दोगे जब उसकी सिक्योरिटी कम हो गई है तो हमला करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? अरविंद केजरीवाल अपनी सिक्योरिटी कम क्यों नहीं करते? अपने आप को तो आम आदमी कहते थे, आज ऐसी कमरों में और बड़ी बड़ी कारों में मजे ले रहे हैं। वहाँ सरकार भी बनी गई है, खुद की उनकी सरकार बनी गई है। बिल्कुल उनकी सरकार बनी है, सबसे हिंसा अराजकता का माहौल, पंजाब प्रशासन को जवाब देना चाहिए सिद्धू मूसेवाले की हत्या पे। सिर्फ उनकी RIP करके उनकी आत्मा को शांति, सिर्फ उनके ट्वीट करने से जवाब नहीं मिलेगा, जवाब देना चाहिए पूरी पंजाब सरकार को। सरकार को बने हुए एक साल भी नहीं और पहला ही बिल्कुल अराजक माहौल पंजाब सरकार के, केजरीवाल संघ के दूसरे एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उनकी सरकार है पंजाब में, यहाँ पर वो देश के अंदर तमाम लोग अब समझ चुके हैं, देश के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार, जो पंजाब सरकार और अरविंद केजरीवाल की सरकार देश को नाकाम करने की साजिश है। जो संघ के एजेंडे पे पंजाब सरकार के अंदर वो सरकार चला रही है उसे भगवंत मान को इस्तीफा देना चाहिए वहाँ से। क्या लगता है आप भी एक युवा हैं और अट्ठाईस साल की उम्र थी उनकी और देश की नहीं वर्ल्ड की शान थी सिद्धू मूसेवाला, बच्चे उस गाने के शौकीन थे, तो कैसा फील हो रहा है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे? देखिए पहली बात तो ये है कि जो अब आने वाले टाइम के उनके जो म्यूजिक गाने थे वो आवाज़ दब जाएगी बिल्कुल पूरी तरीके से। और पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसेवाला जी की सिक्योरिटी हटा करके पूरा
आवेदन किया था उनके जो हत्यारे हैं, कि उनको पता चल गया था पहले कि हाँ भाई सिक्योरिटी हट चुकी है, अब हम पूरे खुले आम हैं, और 24 घंटे भी नहीं बीते थे उस ट्वीट को जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहाँ पर किया था, उसके बाद हत्या हो जाती है। आप समझ सकते हो कि अभी कुछ दिनों पहले ही एक खिलाड़ी की भी हत्या हो गई थी वहाँ पर जी, ठीक है, और अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि सुशासन लाने का, या दिल्ली के अंदर देख लीजिए आप किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा को लेकर के, और वहाँ पर व्यवस्था को देख लीजिए ना आप, कि जो जितना वो एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं उसका वो तभी के तभी पता चल जाता है जनता को, लेकिन जनता जो है वो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी वहाँ पर एक रैली में कहा था कि ये सीमा से लगा हुआ प्रदेश है, यहाँ पर लोगों को अच्छे तरीके से सरकार के लिए सोचना चाहिए, लेकिन वहाँ के लोगों ने जो हमारी पार्टी की जो सरकार थी उसको बाहर किया, लेकिन आज वहाँ के लोग जाने और सोचें कि उन्होंने क्या गलतफहमी की है, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगे, ठीक है, और भगवंत मान सरकार को बर्खास्त किया जाए जी। मेरे साथ और भी युवा हैं सर, एक युवा होते हुए भी आप धरने में आए हैं, क्या धरना, क्या मांगे आपकी सरकार से? हमारी सरकार से एक ही मांग है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आपकी बस की बात नहीं है सरकार चलाना, आप सरकार का साथ तक नहीं जानते हैं। लगभग 3 महीना हुआ अभी सरकार बनने हुए, वहां पे 57 मौतें हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ क्या ऐसे ही सरकार चलाई जाती है? मैं पूछना चाहता हूँ कि जो देश का एक नामी एक गामी सिंगर, आज उसका हत्या कर दिया गया पूरे साजिद के तहत, आपने एक दिन पहले उसका सुरक्षा हटाया और कल एक दिन बाद उसकी हत्या हो गई, पूरी ये साजिश के तहत काम कर रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी वही है जो भाजपा है, या भाजपा या आम आदमी दोनों एक ही है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। और ये जैसे आम जैसे भाजपा का मैंडेट है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक एक को उनके यहाँ पर प्रहार करना, उन्हें डरवाना, उन्हें धमकाना, वैसे ही सेम आम आदमी पार्टी कर रही है, चाहे वो हत्या करा के, चाहे उन्हें आपका फर्जी मुकदमे लगा के। हत्या भी उनकी बिल्कुल साबित हो चुकी है, और मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी भीड़ है और लोग भी प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। Thank you.